हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई, हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी सॉन्ग का EQ किस ढंग से करते हैं। वैसे मेरे पास अभी ये हिप हॉप सॉन्ग है, रैप सॉन्ग है, और ये काफ़ी एग्रेशन के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है, काफ़ी एटीट्यूड के साथ, और ये एक डिस ट्रैक है, और अभी सुन के आपको पता लग ही जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अभी EQ बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि मिक्सिंग और मास्टरिंग पे बताओ। तो अगर हम पिछले जो टॉपिक्स हैं उनको अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आने वाले जो मिक्सिंग मास्टरिंग के बड़े टॉपिक्स हैं उसको आप नहीं समझ पाओगे। हालांकि मैं मिक्सिंग के बारे में वीडियोज़ डाल चुका हूँ, पर अभी भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें समझनी ज़रूरी है। तो EQ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे किसी भी सॉन्ग का, तो EQ करना ज़रूरी है। और मैं इसके अंदर एक चीज़ और बताऊंगा कि कैसे आप अपनी रिकॉर्डिंग का एक साउंड को उठा सकते हैं और उसको कैसे वाइड बना सकते हैं। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि जब हम अपनी वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इतना प्रेशर लगाना पड़ता है, इतना अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, या उसका मिक्स लेवल इतना अच्छा नहीं हो पाता, एक लाउडनेस नहीं बन पाती। तो इसके अंदर वही बताऊंगा कि EQ करने के तरीके क्या क्या है और लाउडनेस कैसे होगी इसके अंदर। तो ये सॉन्ग है अपने कस्टमर ही है, उनका सॉन्ग है, तो सुना देता हूँ थोड़ा सा मैं। और ये नेट की बीट के ऊपर है, एक इंस्ट्रूमेंटल नेट पे मिला था, और ये सॉन्ग ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और एडिटिंग मेरी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था जो मुझे लगा कि जो रिलीज्ड है वो आपको दिखा देता हूँ, जो अनरिलीज्ड है वो मैं नहीं दिखा सकता था, कुछ कारण होते हैं, आप समझ गए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई भी नया आया है, और फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपने सुना कि कितनी कम आवाज़ आ रही है वोकल्स की। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ सबसे पहले बताऊं, जब भी आप कोई नेट की बीट्स लेते हो तो उसके अंदर आपको अपने मिक्सर के अंदर अपने ट्रैक को डालना है और वहां से इसकी वॉल्यूम को कम करना है। तो मैंने देखो ये वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर रखी है, नॉर्मली से कम 3 dB के आसपास कम कर रखी है मैंने, 2.2 dB के आसपास कम किया हुआ है। तो इसी तरह आपको भी थोड़ा कम करना है और फिर इसकी एडिटिंग शुरू करनी है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं EQ के बारे में। तो EQ इसके अंदर फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको पहले किसी एक नए ट्रैक में डाल दूँ, मैं इसमें 3 में डाल देता हूँ। और अभी इसकी नॉर्मल आवाज़ तो कम ही है, और पीछे से क्या था यहाँ से भी कम कर रखी थी मैंने, 1 नंबर में था, तो अभी आपको थोड़ा ज़्यादा सुनाई देगा। और इसको भी थोड़े नए ट्रैक में डाल देता हूँ। अभी आप देख लो कितनी कम आवाज़ है। पहला स्टेप आपको चेक करना है, इस पर डबल क्लिक लगाना है, इसको नॉर्मलाइज़ कर दो। आप नॉर्मलाइज़ कर दो, अब इसकी आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाएगी। ओके, आपने देखा कितनी ज़्यादा लाउड हो गया और एकदम बढ़िया लग रही है, और इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी की है बंदे ने, इसलिए मेरे को भी पसंद है और बिल्कुल अच्छा फ्लो जा रहा है। अब दूसरी चीज़, EQ के अंदर आना है आपको, यहाँ पे अपना EQ 2 ले लो आप, और दूसरी बात इसकी वॉल्यूम नीचे करनी पड़ेगी आपको, -6 dB कर दो, जितना एक्चुअल में आपको रखना है। अब आप इसको EQ करो। अब EQ में पहला स्टेप ये होता है, अपने लो साइड जहाँ पे आपके आवाज़ के अंदर बेस टाइप का एक मोटापन होता है ना, उसे हमें काटना है। तो फटाफट काटते हैं इसे। अभी मैं इसको पूरा नहीं काट रहा हूँ, इसके कुछ रीज़न है। आप काटने को काट सकते हो, पर मैं इसको पूरा नहीं काट रहा हूँ, थोड़ी सी फील रखने के लिए मैंने सिर्फ रखा हुआ है इसको। अब ये हाई फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा, और ये हाई फ्रिक्वेंसीज हर एक गाने में उठाना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप लोग किसी भी गाने में हाई फ्रिक्वेंसीज उठा देते हो, क्या पता आपके माइक में रिकॉर्डिंग जब हुई है वो ऑलरेडी हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड हो चुकी है और आप उठा रहे हो उसको दोबारा, तो उससे क्या होगा, आपके गाने में नॉइस बन जाएगी।
और फिस फिस की साउंड बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देगी, या आपके मुंह के अंदर जैसे चिपचिपापन सा आता है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम उठाएंगे माइनस प्लस में लगभग 1-2 dB उठा के कोशिश करते हैं कैसा लगता है। होने वाला तेरा पूरा हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी माल और चाल पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा चाटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है, ऐसे थोड़े ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है जल्दी जड़ाई, तेरी कमाई तुझे रास्ते नहीं आई, सारी बातें तूने झूठ ये बताई, शब्दों के वारिस से कर दूं तबाही, भाई मेरे पीछे देते। अभी ये मेरे को ठीक लग रहा है। ओके, अब इसमें क्या है कि इसके अंदर कहीं पे जो चुभने वाली साउंड्स है उसको हम कैसे काटते हैं। अब आपने कई बार सॉन्ग सुने होंगे कि आपके सॉन्ग के अंदर क्या होता है, आपको साउंड अपना थोड़ा चुभने वाला लगता है कि हाँ भाई मेरी साउंड बहुत चुभ रही है, और एक प्रोफेशनल क्वालिटी का जो साउंड है वो आपको हेडफोन में चुभता नहीं है, चाहे आप एक लेफ्ट हेडफोन भी लगा लेते हो तब भी आपको साउंड अच्छा मिलता है। वो कैसे मिलता है, उसका कुछ कारण है। उसका कारण ये है कि इसके मिड में जो ये 600 Hz देख रहे हो, 500 देख रहे हो, इसके पास के जो साउंड्स हैं इसको ये लोग काट देते हैं। अब काटने के लिए आप इसी का EQ ले सकते हो, अगर आप नहीं लेना तो आप एक और EQ ऐड करो और इसके अंदर आप EQ करो दोबारा। अब देखो मैं दोबारा इसी चीज़ को करूँगा, अब इसकी कोई भी फ्रिक्वेंसीज दिखाई नहीं दे रही है, जो इसके हर्ट्स है ऊपर नहीं उठ रहे हैं। होने वाला तेरा पूरा है हाल, और अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो यहाँ आपको दिखाई देंगे थोड़े थोड़े। तारा भोपाल होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी माल और चाल पूरी तरह तेरी खींच। और अब इसके अंदर देखो इसमें कम दिखाई देगा। तारा भोपाल होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, कितना डिफरेंस आ गया। ओके, अब इसके अंदर EQ यहाँ करने वाला था मैं। तारा भोपाल होने वाला, इसके अंदर EQ को समझने का एक और तरीका है। एक तो आपके कान है जो बताएंगे, पर ये चीज़ अगर जब आप प्रोफेशनल हेडफोन्स लगाते हो ना तो उसके अंदर बहुत ही कम आपको मिड फ्रिक्वेंसीज का एक अटैक सुनाई देता है। जब आप छोटे हेडफोन्स लगाते हो जो नॉर्मली पब्लिक यूज़ करती है, तब जाके आपको पता लगता है कि वो EQ जो है मेरा ढंग से नहीं हुआ है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, तो आपको जज करने के लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक रेड कलर की बिल्कुल डार्क येलो पूरी लाइन आती है, उसको आपको समझना है। तारा भोपाल होने वाला तेरा पूरा है हाल, देखो इस साइड ज्यादा आ रही है और इस साइड ज्यादा आ रही है बीच में। तारा भोपाल होने वाला तेरा पूरा है, और हमारा पूरे गाने का जो पार्ट होता है ना, पूरे का पूरा गाने का पार्ट लगभग यहाँ 7000 Hz के आसपास तक का होता है, मतलब कि मेन आवाज यहाँ से लेकर और यहाँ तक होती है, समझ रहे हो आप। ये समझ लो कि आपके 200 Hz के आसपास से लेकर 7000 Hz तक की आपके फ्रिक्वेंसीज के अंदर मेन आवाज़ होती है। अगर उससे इधर उधर कटता है तो एक बंदे की आवाज़ जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। इसके अंदर फ्रिक्वेंसीज को डाउन कर देता हूँ। होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी माल और चाल पूरी तरह से। आप यहाँ पे इस तरह इसको एक साइन वेव के निशान की तरह ऐसे ले जाओ, आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। आँख बंद करके आप यहाँ पे कर दो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक चुभने वाला साउंड जो है एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके, दूसरा आपको EQ दूसरे तरीके का भी करना पड़ेगा, जो आपने बहुत वीडियोस के अंदर देखा होगा और लोगों ने भी बताया है। ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाके इसकी एक विसल साउंड आपको ढूंढनी है, विसल साउंड जिसके अंदर एक सीटी बज रही है। आप खुद एक महसूस कर सकते हो जब आपके कान में कोई सीटी बजाता है या कहीं पर भी एक सायरन जैसी आवाज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, बहुत दूर तक जाती है। वो यही कारण होता है कि पब्लिक के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सायरन का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो साउंड बहुत ज़्यादा चुभती है और बहुत दूर तक जाती है। वही चीज़ हमें इसके अंदर काटनी है ताकि आपके कानों को नुकसान ना दे। तारा भोपाल होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी माल और चाल पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल, जहां भी दिखेगा चाटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है। आप सुन पा रहे होंगे कि इसके अंदर कैसे सीटी की आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसको नॉर्मल लेवल पे लेके जाऊं, तारा भोपाल होने वाला तेरा पूरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की, देख रहे हो इसके अंदर फड़फड़ की साउंड आ रही है, पर ये नॉर्मल लेवल करने पर आ रही है। जब हम इसको माइनस में रखेंगे 6 dB तक तो अभी इतनी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने आपका माइनस 6 dB के आसपास ऑलरेडी पहले ही करा दिया, ताकि आप किसी वहम में ना रहें। क्योंकि क्या होता है, जब
आवाज़ लाउड रहती है तो हमेशा आपको वो ख़राब साउंड भी ज़्यादा सुनाई देती है। जब इसकी आवाज़ कम रहेगी तो आपको ख़राब साउंड ज़्यादा नहीं सुनाई देगी। उसके कारण से क्या होगा कि आपकी एडिटिंग करने में मदद अच्छी होगी, वरना क्या होगा, आप एडिटिंग करने में एक ही साउंड के पीछे लग जाओगे और सारी साउंड्स रह जाएगी। क्योंकि EQ ऐसी चीज़ है, जब आप लगातार करने लगते हो तो आपके कान भी गलत बताना शुरू हो जाते हैं, ये एक फैक्ट है। और यहाँ पे आपने इसको EQ के नॉब को नीचे कर देना थोड़ा सा। और क्या अगर आपको पता हो, जब कोई बंदा मोबाइल की रिकॉर्डिंग करता है तो क्या होता है, हमारे आर्टिस्ट जो अभी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है वो कई बार मोबाइल से भी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पर क्या होता है उनके अंदर क्या होता है, फड़ फड़ की जो एक आवाज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ये साउंड। इस टाइप के साउंड को भी हमने माइनस में कर देना। ओके, अब दूसरा EQ एक जगह पे और है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जब हमारे एक तीखी साउंड है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विसल मारती है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको EQ करना ज़रूरी है। ये देख रहे हो एकदम चिक चिक की साउंड आ रही है। ये बेस्ट हो गया। आप ऐसा भी करके देख सकते हो, इसको ऊपर कर दो और दूसरे वाले को नीचे, तो ये अब ऊपर हो गया, अब नीचे वाला हमारा मेन हो गया। ओके, तो ये EQ करने का ये तरीका तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। EQ करने के और भी बहुत तरीके हैं, पर अभी ये सिंपल आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसके बाद थोड़ा और हार्ड में जाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी एक EQ और लगाते हैं हम। ओके, इसके अंदर एक प्रीसेट है, ये वाला प्रीसेट आप देख रहे हो, इधर की फ्रीक्वेंसीज इधर कटी और यहाँ की फ्रीक्वेंसीज 18,000 Hz तक की हमारी काट दी गई, यहाँ ऊपर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसे प्ले करता हूँ। तो अब क्या करूंगा मैं, लास्ट की फ्रीक्वेंसीज और काट दूंगा इसकी, हर्ट्स जो आप सुन रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने काट दिया है। अब वो मैंने क्यों काटा है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं एक और EQ लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे इतने ज्यादा EQ ये क्यों ले रहे हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कहीं कुछ लोगों का दिमाग में ये होता है कि हमने एक EQ लगा दिया है, दोबारा EQ क्यों लगाएं, पर एक्चुअल में आप एक EQ के बाद 2, 3, 4, 5, 10, 15 जितने आपको ज़रूरत लगते हैं उतने लगाओ, इसमें कोई भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ काम करने का तरीका है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो सारे भर जाते हैं तो फिर ये लोग काम कैसे करते हैं, सारे इफ़ेक्ट्स कैसे लगाते हैं, उसके तरीके भी बहुत है, आपको मैं आने वाले वीडियो के अंदर बता दूंगा। अभी जितना आपको दिखाया जा रहा है आप उतना उस पर फोकस करें, क्योंकि मुझे पता है कि अब वीडियोस जो बनी हैं उसके अंदर कमेंट्स आने वाले हैं और वो लोग 10 तरह की बातें करेंगे, तो उनका जवाब अगली वीडियो के अंदर देंगे। अब इसको सुनो, चाटे पड़ेंगे, पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके अच्छे हेडफोन्स हैं तो आप सुन पा रहे होंगे, ये फ्रीक्वेंसीज आपको दिख रही हैं, जिसको आप ढंग से सुन भी नहीं पा रहे हो। और इसको अगर मैं लाउड करता हूँ, देखो अब आपको सुनाई दे रहा होगा हल्का हल्का एकदम चिक चिक। तो ये साउंड इसीलिए काट दिया क्योंकि इसका कोई भी काम ही नहीं है हमारे गाने के। ले लूंगा जान, ले लूंगा। अरे यार वेट, ये देखो, और जब आपको ज्यादा सुनाई देने लग जाए तो आप समझ जाओ कि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं काटनी। ये नॉर्मली फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, 13,000 से लेके 20,000 Hz के बीच में होती है, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ।
तो अब मैं इसको लगाया था आपको सुनाने के लिए। अगर मैं ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है चढ़ती चढ़ाई, तेरी कमाई तुझे रास नहीं आई, सारी बातें तू आप इसको ध्यान से सुनो। अब देखो एक चीज और, तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल। देखो यहाँ से फ्रिक्वेंसी खराब होनी शुरू होगी। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल। लगभग 14,000-13,000 तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल। इसके फ्रीक्वेंसीज मैं कहाँ से नोट कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। यहाँ ऊपर फ्रीक्वेंसीज सारी लिखी आती है, हर्ट्स लिखी आती है। फ्रीक्वेंसीज में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसीज अब कुछ आर्टिस्ट सुनेंगे तो वो बोलेंगे फ्रीक्वेंसीज बोल रहा है, हर्ट्स बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब फ्रीक्वेंसीज का ही खेल है। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तो कुत्ते की चाल। तो अब आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसे ऑफ करता हूँ, इसे ऑन करता हूँ। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल, बुरी तरह तेरी खी। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ 6 dB। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल, बुरी तरह तेरी खींचेगी खाल। आप EQ करने का सबका अपना अपना तरीका है। मैं थोड़ी आवाज़ को सॉफ्ट ही रखता हूँ, वो इसलिए सॉफ्ट रखता हूँ क्योंकि जब कोई बड़े स्पीकर्स आते हैं तो क्या होता है, अब वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसीज के स्पीकर्स कई बार बड़े तीखे होते हैं और वहाँ पर ये जो तीखा साउंड अगर मैं पहले ही बना दूंगा तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा EQ में तीखा साउंड सुनाई देने लगेगा लोगों को। इसलिए पहले से ही सॉफ्ट रखता हूँ क्योंकि मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनता हूँ तो बॉलीवुड सॉन्ग्स के अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है और अगर मैं पंजाबी सॉन्ग सुनता हूँ तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज होती है। तो सबका अपना अपना टेस्ट है, तो मुझे वहाँ का जो म्यूज़िक है और वहाँ की जो एडिटिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पंजाब इंडस्ट्री की भी बहुत पसंद है। तो पर उसके अंदर अलग टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, मेरे पास अलग आर्टिस्ट है इसीलिए मैं इस टाइप की कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं सॉफ्ट ही रखना चाहता हूँ क्योंकि इंसान की आवाज़ की थोड़ी रियलिटी भी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको हाई फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा उठाऊंगा तो साउंड तीखा हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, पर एक्चुअल में जब हम और भी जगह पे काम करेंगे और भी सिस्टम के अंदर करेंगे तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने आप को पहले से ही थोड़ा सा सेफ जोन में रखना ज़रूरी है। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल, बुरी तरह तेरी खींचेगी खाल। जहां भी दिखेगा चांटे पड़ेंगे, जहां भी दिखेगा कांटे खड़ेंगे, देख भाई तूने पब्लिक उठाई है, ऐसे थोड़ी ना ये बढ़ती है भाई, इतने जल्दी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसे ऑफ करूं। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल। ठीक है, तो इसके अंदर ये उठा हुआ अच्छा लग रहा है, वो इस कारण भी क्योंकि यहाँ का जो एक मेन पॉइंट था कि एक तीखापन था वो मैंने डाउन किया, इसलिए अगर जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा होने वाला तेरा बुरा है यहाँ पे देखो, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, यहाँ पे वो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ी सी गंदी लग रही है। तारा बवाल होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल, बुरी तरह तेरी खींचेगी खाल। जहां भी दिखेगा चांटे। और ये EQ जरूरी नहीं आपने बिल्कुल ही ये नीचे कर देना है या ऊपर कर देना है, ये बिल्कुल हल्का हल्का करना है धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप एकदम से कर दोगे तो आपको चीज़ जल्दी समझ नहीं आएगी। और दूसरी बात, आपको म्यूज़िक के हिसाब से करना है इसका EQ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप EQ को करते हो तो सिर्फ एक सिंगल आवाज़ को सुन के EQ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, लेफ़्ट की फ्रिक्वेंसीज, राइट की फ्रिक्वेंसीज, सभी के सभी हमारे को सुनाई देती है, तो क्या होता है हमें गलतियाँ निकालने का मौका बहुत मिलता है, तो हम अपने ही गाने के अंदर बहुत गलतियाँ निकालते हैं। और जब हम किसी म्यूज़िक के साथ एडिटिंग करते हैं तब जाके हमें पता लगता है कि वो जो हमने गलती की थी वो एक्चुअल में म्यूज़िक के साथ में अच्छी भी नहीं लग रही है। एक रियलिटी साउंड रखनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं जब मोस्टली तो जब EQ करता हूँ तो म्यूज़िक ज़रूर पीछे प्ले करता हूँ ताकि मैं उसके हिसाब से सुन सुन के EQ करूँ, ताकि मैं जजमेंट कर सकूँ कि मुझे उस सॉन्ग के, उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग मुझे कितनी हाई रखनी है और कितना लो मुझे काटना है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली अगर एक वोकल के हिसाब से देखूं तब तो ये समझो कि अगर थिएटर के साउंड्स है, थिएटर के साउंड में क्या होता है थोड़े कम म्यूज़िक होता है, तो वहाँ पर मैं वोकल्स के हिसाब से ज़्यादा काम करता हूँ। इसके अंदर मैं वोकल के हिसाब के साथ साथ म्यूज़िक में भी ध्यान देता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपका कुछ अपना स्टाइल है तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तेरे की चाल, शुरू किया तूने सारा बवाल, होने वाला तेरा बुरा है हाल, चलने लगेगा तू कुत्ते की चाल, रस की कॉपी बाल और चाल, पूरी तरह तेरी खींचेगी खाल। और ये EQ मैं अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, पर आपको ये सब अगर काटने नहीं हैं, ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से एक चीज़ और कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं काटने इस टाइप से, तो आप इसके अंदर जाके फ्रिक्वेंसीज को लास्ट का ना थोड़ा सा ऐसे डाउन कर दो आप। क्या होगा इससे कि आपकी ओरिजिनलिटी भी आपके सामने आ जाएगी अगर आपको डाउट लगता है, और लास्ट का जो एक फिस फिस का या चिक चिक का साउंड है वो भी डाउन हो जाएगा। मतलब कि वो बजेगा जरूर, पर वो थोड़ा सा कम बजेगा। और पिछली जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसके अंदर तो मैंने बिल्कुल ही काट दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने काटा कम है। जैसे देखो, और यहाँ से भी मैंने किया था, वो इसीलिए फ्रिक्वेंसीज को काटा था। मैं इसको पूरा का पूरा चोंच बना के नहीं काटता, क्योंकि फिर क्या होता है कि एक ओरिजिनलिटी की साउंड ना डिफरेंस पता नहीं लग पाता। तो मैं इसको इस टाइप से भी कर देता हूँ कई बार, और कई बार इतना भी कर देता हूँ, मेरे डिपेंड, कुछ नहीं पता होता है किसी भी सॉन्ग के अंदर। कई बार ऐसे भी मैंने किया हुआ है। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई गेन नहीं दिया, और जैसे ही मैं इसके अंदर कोई गेन ऐड करूँगा, जैसे कंप्रेसर ऐड करता हूँ और थ्रेशोल्ड थोड़ा कम कर देता हूँ, देख रहे हो कितना फर्क है। और इसके अंदर अब आप पहले भी लगा लो, या तो बीच में इसे मैं डाउन कर देता हूँ। अभी मैं इसके अंदर रिवर्ब नहीं लगाता, वैसे वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अभी बस यही है इसका EQ करने का तरीका। आपको और मैं तरीके बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी EQ के अंदर इतना ही, आपको गेन दिखा दिया मैंने लगा के, ताकि आपका डाउट ये भी ना रहे कि यार आवाज़ बहुत कम आ रही है। और मैंने यहाँ बता ही दिया आपको कि नॉर्मलाइज करके ये सब किया हुआ मैंने, और इसका नॉइस रिडक्शन करना भी ज़रूरी है। आप वो लोग मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा नॉइस रिडक्शन के, नॉइस कैसे ख़त्म करते हैं। बाकी नॉइस रिडक्शन EQ से भी ख़त्म की जा सकती है अगर बंदा चाहे तो, ठीक है। वो EQ थोड़ा हार्ड हो जाता है, पर अगर नॉइस रिडक्शन थोड़ी आप खुद ही कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर एडिटिंग करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है और सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, और शायद ही दूसरे चैनल पर आपको ये सब मिलेगा देखने को। तो होप, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहना। अगर कोई आर्टिस्ट कोई अच्छा गाने वाला है तो मेरे साथ कोलैबोरेशन भी कर सकता है, पर उसके कुछ गाने ऑलरेडी होने चाहिए, जो लगने चाहिए कि हाँ भाई थोड़े से पब्लिसिटी गेन कर सकता है वो भी इंसान, और अच्छा मार्केट में नाम कर सकता है। दूसरा ये, और अगर किसी इंसान को अपने गाने के मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी हो तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे से। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।